स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घर की दक्षिण और पश्चिम दिशा में रख दे ये एक चीज, जल्द बन जाएंगे धनवान। वास्तुशास्त्र में मोर पंख से जुड़े कुछ खास उपाय बताए गए हैं, जो कि धन लाभ के लिए कारगर माने जाते हैं। वास्तुशास्त्र में कुछ चीजों का खास जिक्र किया गया है, जिन्हें घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप घर में परिवार में बरकत बनी रहती है। इसके अलावा घर में मोरपंख को कुछ स्थानों पर रखने से आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ होती है। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र अनुसार घर के किन स्थानों में मोरपंख को रखने से धन लाभ होता है। घर की दक्षिण और पश्चिम दिशा में रखे मोरपंख। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख को घर की दक्षिण और पश्चिम दिशा में रखना शुभ है। जिस घर की इस दिशा में मोरपंख का रखा होता है, वहाँ कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का संसार नहीं होता, साथ ही उस घर में धन की आवक बनी रहती है। इतना ही नहीं, मोरपंख के इस उपाय से जमकर धन लाभ भी होता है। ऐसे में अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इस उपाय को आजमा कर जरूर देखिए। राहु की दशा होती है ठीक। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में राहु खराब स्थिति में है, जिसकी वजह से करियर में रुकावटें आ रही है, तो इस स्थिति को सही करने के लिए घर में मां लक्ष्मी की मूर्ति के समक्ष मोर पंख रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से राहु का दोष दूर होता है, जिससे तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। नौकरी और व्यापार में तरक्की। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए किसी कोने में मोर पंख का रख दे। मान्यता है कि मोर पंख का यह उपाय आर्थिक स्थिति को ठीक बना देता है, साथ ही अगर नौकरी व्यापार में आर्थिक संकट है तो वह भी दूर हो जाएगा और दिन रात आर्थिक तरक्की होने लगेगी। वास्तु दोष को दूर करने के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है या आपको लगता है कि आपकी तरक्की नहीं हो रही, तो यह वास्तु विकार है। ऐसे में घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा ले, जिन्हें आजीवन दुख, दारिद्रता, हानि तथा असफलता आदि का सामना करना पड़ रहा है, वे इसके निवारण हेतु तंत्र शास्त्र में बताए गए कुछ उपायों को आजमा कर भाग्यशाली बन सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य इस धरती पर अपना भाग्य लेकर आता है और उसी के अनुसार वह सुख दुख का लाभ हानि का तथा सफल असफलता का भाग्य होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति अत्यंत दुर्भाग्यशाली होते हैं, जिन्हें आजीवन दुख, दारिद्रता, हानि तथा असफलता आदि का सामना करना पड़ता है। यदि दुर्भाग्यवश आपकी उन्नति नहीं हो रही तो जितने वर्ष की नौकरी हो उतने गोमती चक्र शिवलिंग पर चढ़ा दे, आपकी उन्नति अवश्य हो जाएगी। यदि आपका भंडार गृह सदैव खाली रहता है तो चांदी की डिब्बी में थोड़े से काले चावल डालकर उसे भंडार गृह में रख दे, आपका भंडार गृह अब कभी भी खाली नहीं रहेगा। अमावस्या के दिन पीले रंग की त्रिकोण आकृति वाली एक पताका बनाकर विष्णु के मंदिर में सबसे ऊपरी स्थान पर लगा दे, आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और आप सौभाग्यशाली हो जाएंगे। नाचते हुए मोर का पंख टूट जाने पर उसे घर ले आए, फिर उस पंख को लाल कपड़े में लपेट कर धन स्थान पर रखने से दरिद्रता दूर होती है। अपने बछड़े को दूध पिलाती गाय को फल रोटी आदि खिलाने से दुर्भाग्य का नाश होता है। हमारी सनातन संस्कृति को हर घर में पहुंचाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और हमें कमेंट भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।